दोस्तों अगर विंडोज 11 आप इस्तेमाल करते हो तो आपने ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर ये 6-7 मिनट का वीडियो आप देखोगे तो आपके 600-700 घंटे बच सकते हैं। जी हाँ, ये जो टिप्स मैं देने वाला हूँ 11 टिप्स है विंडोज 11 के, जिसकी वजह से दोस्तों यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो विंडोज 11। और इन 11 टिप्स में से स्पेशली नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 9, ये 4 टिप्स तो ध्यान से सुनिए बिकॉज आई एम श्योर यू विल नॉट नो इट। चलिए पहले टिप के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों और हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें पता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूज वॉइस टाइपिंग। स्पीच रिकग्निशन विंडोज 11 में आता है दोस्तों, माइक्रोफोन वगैरह होता है, आप बात कीजिए और वो टाइप करेगा। जी हाँ, दैट विल सेव यू लोड्स ऑफ टाइम, बहुत वक्त आपका बचेगा। एंड मैं शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, सिर्फ विंडोज एच कीजिए एंड स्पीच रिकग्निशन चालू हो जाएगा, बात कीजिए और वो टाइप हो जाएगा। मुझे मालूम है ये फीचर आपको पता है बट हम इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करके तो देखिए। ये दूसरा फीचर जो है आपको पता नहीं होगा, डायनेमिक लॉक। डायनेमिक लॉक क्या करता है, जब आप आपके कंप्यूटर के सामने से विंडोज 11 पीसी लैपटॉप उसके सामने से हट जाते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक करता है। आप सोचोगे कैसे? जी हाँ, बहुत सिंपल है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम विंडोज चालू करके जाते हैं और उठ के चले जाते हैं एंड देन अपना जो स्क्रीन होता है वो स्टार्ट ही होता है, या फिर थोड़ी देर के बाद अगर आपने सेट किया है 15-30 मिनट के बाद में वो स्लीप में चला जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जैसे ही आप उठते हो थोड़ा दूर जाते हो अपने आप बंद होना चाहिए, यू कैन डू दैट विद डायनेमिक लॉक। जी हाँ, आप जाइए सेटिंग्स में, अकाउंट्स में, साइन इन ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको डायनेमिक लॉक का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में अलाउ विंडोज टू ऑटोमेटिकली लॉक योर डिवाइस व्हेन यू आर अवे, ऐसे ऑप्शन होगा, उसे चेक कीजिए। बेसिकली आपका जो स्मार्टफोन है उस वो ब्लूटूथ के साथ पेयर होगा एंड जैसे ही आप स्मार्टफोन लेके चले जाओगे, ब्लूटूथ की जो रेंज है उसके बाहर जाओगे, तो ऑटोमेटिकली 15 सेकंड में आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। जी हाँ, जिसे कहते हैं डायनेमिक लॉक। कितने लोगों को पता था वैसे ये फीचर। अब दोस्तों वायरसेस का आजकल इतना ज्यादा इशू हो गया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वायरस सॉफ्टवेयर हमने डालना चाहिए। विंडोज 11 में ही इनबिल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटीवायरस तो नहीं कहूंगा लेकिन थ्रेट्स अगर कुछ होंगे, कुछ वायरसेस होंगे, सब वो टेस्ट करता है। आपको अगेन स्टार्ट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए, विंडोज सिक्योरिटी में जाइए और उधर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन होगा वहां पे, और क्विक स्कैन टू स्कैन योर पीसी कीजिए और जो भी अगर प्रॉब्लम्स होंगे आपके पीसी में लैपटॉप में सब कुछ आपको दिख जाएंगे एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, गो अहेड एंड ट्राई। वैसे दोस्तों विंडोज जो होते हैं अपने अलग अलग, आप विंडोज खोलते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, अलग अलग होते हैं तो आप एक खोलते हो दूसरा बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप स्नैप एंड रिसाइज कर पाओगे वो जो लेआउट्स होते हैं वो। अब ये फीचर विंडोज 7 में ही आया हुआ है लेकिन अब दोस्तों स्नैप लेआउट, विंडोज 11 में स्नैप लेआउट्स का एक फीचर आया हुआ है। स्नैप करके लॉक एक ही जगह पे कर पाओगे, अगर आपको 3 विंडोज चाहिए, एक बड़ा चाहिए यू नो जहां पे आप पढ़ रहे हो कुछ एंड देन 2 या 3 छोटे विंडोज चाहिए, वो आप स्नैप लेआउट्स के साथ आप कर पाओगे। और उसके लिए भी शॉर्टकट है दोस्तों, विंडोज और जेड, विंडोज प्लस जी ये टाइप कीजिए और आपको ऑप्शन आ जाएगा कि भाई क्या स्नैप करना है, क्या लॉक करना है, कहां पे रखना है, कितना साइज करना है। ऑलराइट, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों विंडोज 11 में। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे विंडोज के वर्जन बढ़ते गए, इन विंडोज 11 बहुत सारी चीजें अच्छी आई हुई है। बैटरी सेंस नाम का एक फीचर आया हुआ है जहां पे एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि आपने कितनी बैटरी इस्तेमाल की है, कैसे की है, कितने घंटे तक आपने काम किया हुआ है, एप्स वगैरह ओपन है, कौन से एप्स जो है वो ज्यादा बैटरी खाते हैं, ये सब चीजें आपको पता चलती है। बेसिकली आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में जाना है, पावर और बैटरी में जाना है और उधर बैटरी यूसेज टैब होता है वो ओपन कीजिए तो आपको पता चलेगा पिछले कुछ दिनों में आपने कितने घंटे या दिन इस्तेमाल किया हुआ है। एप्स दिखाएंगे कि जिन्होंने इंडिविजुअल एप्स जो होते हैं कितनी बैटरी इस्तेमाल की हुई है, सो यू कैन यूटिलाइज योर बैटरी बेटर, आपकी जो बैटरी लाइफ होगी वो भी बढ़ेगी। फाइल एक्सप्लोरर विंडो दोस्तों हम सभी खोलते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर खोलनी है तो, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमें अलग अलग फाइल्स वगैरह खोलने होते हैं, सेम में बैक फोर्थ जाना पड़ता है अगर सेम फाइल एक्सप्लोरर होगा तो। लेकिन अब क्रोम के जैसे फाइल एक्सप्लोरर में भी टैब्स आ गए हैं, आप अलग अलग फाइल्स टैब्स में ही खोल पाओगे, इसका मतलब फाइल एक्सप्लोरर की एक सिंगल विंडो होगी एंड मल्टीपल टैब्स होंगे ताकि आप कोई भी फाइल और फोल्डर बहुत इजीली उधर से ही एक्सेस कर पाओ। दोस्तों आपके साथ, मेरे साथ तो वो हमेशा हुआ करता था, अब मैं मैक इस्तेमाल करता हूं लेकिन विंडोज जब मैं इस्तेमाल करता था तो हमेशा बहुत सारे शॉर्टकट मेरे एक डेस्कटॉप पे आ जाते, सिंगल डेस्कटॉप था एंड कभी कभी तो ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता था दोस्तों, पूछिएगा मत। और फिर बाद में सोचता था अभी अगर नया शॉर्टकट मैंने क्रिएट किया डेस्कटॉप शॉर्टकट तो किधर जाएगा। अब दोस्तों उसके लिए आप नए डेस्कटॉप भी क्रिएट कर पाओगे और मैनेज भी कर पाओगे। कैसे मैं कहता हूं, समझिए एक डेस्कटॉप आपका आपने रख दिया आपके एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के लिए, दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के लिए रख दिया। जी हां, नए डेस्कटॉप्स आप क्रिएट कर पाओगे, उतना ही नहीं नीचे टास्क बार में एक आइकन आता है जहां पे आप होवर करोगे तो इजीली आप डेस्कटॉप्स जो है वो स्विच कर पाओगे, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। इसीलिए दोस्तों मल्टीपल चाहिए, जितने डेस्कटॉप्स क्रिएट कीजिए अलग अलग चीजों के लिए, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप या फाइल आपको ढूंढनी है इमीडिएटली मिल जाएगा, अलग अलग डेस्कटॉप पे कैटेगराइज करके रखिए, दैट विल बी द बेस्ट। चलिए सिंपल वाला कहता हूं, आपको तो बताएं
स्क्रीनशॉट लेना है, प्रिंट स्क्रीन दबाइए, पेस्ट कीजिए एंड हो जाता है, बट वो आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों आप कस्टम स्क्रीनशॉट्स भी निकाल पाओगे क्योंकि स्निप टूल आ गया है। पहले भी था लेकिन विंडोज 11 में और भी ज्यादा अच्छा है। आपको सिर्फ विंडोज शिफ्ट एस ये जो शॉर्टकट है ये क्लिक करना है एंड स्निपिंग टूल आ जाएगा। एंड देन आपको एक पार्ट ही चाहिए स्क्रीन का, या फिर पूरी स्क्रीन चाहिए, या फिर फ्री फॉर्म कोई आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप ले पाओगे। जी हाँ, इट इज बिकम मच सिंपलर टू टेक कस्टमाइजेबल स्क्रीनशॉट्स नाउ। और विंडोज 11 एकदम स्मूथ हमेशा रन करने के लिए दोस्तों अब स्टोरेज सेंस भी आ गया है। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, स्टोरेज में जाओगे, तो उधर स्टोरेज सेंस का एक टैब दिखेगा। इसेंशियली वो ऑटोमेटिकली जो आपके पुराने फाइल्स है, जो अनवांटेड फाइल्स वगैरह है, टेम्पररी सिस्टम फाइल्स है, वो सब क्लीन करेगा। जी हाँ, पहले कैसे हुआ करता था, हम हमेशा जाते थे या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे वो टेम्पररी फाइल्स वो सब क्लीन करने के लिए। अब वो करने की जरूरत नहीं, विंडोज 11 में ही स्टोरेज सेंस आ गया है। यस, लेकिन ये काम करने के लिए दोस्तों स्टोरेज सेंस जो है ये आपको चेक करना होगा, उसे ऑन रहना होगा। और याद रखिए, जब आपका सिस्टम का जो स्टोरेज है वो लो हो जाता है तब ये एक्टिवेट होता है और अपने आप क्लीन करता है। और ये जो स्टार्ट मेनू अब आ गया है विंडोज 11 में, अगेन बहुत सारी चीजें, अगर विंडोज 10 के साथ आप कंपेयर करते तो फॉर एग्जांपल सेटिंग्स का जो टैब हुआ करता था वो स्टार्ट के ऊपर आता था, लेकिन विंडोज 11 में आप जब स्टार्ट मेनू में जाओगे वो आता नहीं है, सिर्फ राइट हैंड साइड को आपको पावर का बटन मिलता है तो आप शट डाउन वगैरह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब आप जो चाहिए उधर वो ऐड कर सकते हो, सेटिंग्स भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे दूसरे ऐप आइकन्स है वो भी आप ऐड कर पाओगे उधर। और कैसे करना है, आपको बेसिकली जाना है सेटिंग्स में, पर्सनलाइजेशन में, स्टार्ट में और उसके अंदर फोल्डर्स में। उधर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई स्टार्ट मेनू में नीचे हॉरिजॉन्टली कौन से ऐप आइकन्स आने चाहिए, वो आप चेक मार्क कीजिए, वो सब आपको पावर बटन जो होता है उसके आजू बाजू दिखे। इससे डेफिनेटली आपका टाइम बचने वाला है। जी हाँ, जो आपको चाहिए वो इमीडिएटली स्टार्ट पे क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन इमीडिएटली एक्सेस इट। सो अगेन अ प्रोडक्टिविटी हैक। स्टार्ट मेनू की और एक चीज बताता हूँ। जी हाँ, इससे भी आपका बहुत वक्त बचने वाला है। बहुत बार जो एप्स आपको चाहिए वो स्टार्ट मेनू में नहीं दिखते हैं, आपको बेसिकली ऑल ऐप पे जाना पड़ता है और फिर बाद में आपको सब टोटल ऐप की जो लिस्ट है वो दिखती है। लेकिन अब आप स्टार्ट मेनू में ही जो आपको चाहिए वो ऐप पिन कर पाओगे। यस, आपको क्या करना है, सिर्फ वो ऐप पे जाना है, राइट क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू से पिन टू स्टार्ट। वो आप जब करोगे जहां पे भी उसे प्लेस करना है वो प्लेस कर पाओगे। अगर आपको कुछ ऐप स्टार्ट मेनू से निकालने हैं तो अगेन राइट क्लिक कीजिए और अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू कीजिए और वो उधर से निकल जाएंगे। सो यू कैन बेसिकली कस्टमाइज योर स्टार्ट मेनू एज पर योर रिक्वायरमेंट। और फाइनली दोस्तों, प्राइवेसी के लिए आजकल सभी लोग VPN इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो VPN होते हैं कभी कभी सिक्योर होते हैं, कभी कभी अनसिक्योर भी होते हैं। तो अब विंडोज 11 में ग्लांसेबल VPN का फीचर आ गया है और ये जो फीचर है एकदम नया है दोस्तों, अभी अभी आया हुआ है। लेटेस्ट जो अपडेट विंडोज 11 का है उसके अंदर ये फीचर आया हुआ है, ग्लांसेबल VPN। सो यू आर सेफ ऑल द टाइम। द बिग क्वेश्चन इज, जो मैंने 11 आपको फीचर्स, टिप्स, ट्रिक्स वगैरह बताए उनमें से आपको कितने मालूम थे, उससे भी ज्यादा आप कितने इस्तेमाल करते थे ये जरूर बताएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, बाकी के लोगों का भी फायदा होगा, उनके भी बहुत घंटे बचने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।